गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स फर्स्ट दैट इज मैकेनिक्स यूनिट सेकंड में एनालिसिस ऑफ द कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स इन लेबोरेटरी एंड द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था कि जिसमें डायरेक्ट कोलिजन्स था, दैट वाज द इलास्टिक। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। कल जो डिस्कस किया था वो था कि हमारा लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इलास्टिक कोलिजन होता है उससे क्या एनर्जीज निकलती है, क्या एनर्जी का रेशो होता है, क्या दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज रहती है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, दैट इज़ दी डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन द सेम कंडीशंस, माना कि द्विकर्ण निकाय मीन्स देयर इज टू पार्टिकल्स। पहले पार्टिकल द्रव्यमान एम वन, इसका पोजिशन वेक्टर आर वन, दूसरे का द्रव्यमान एम टू, इसका स्थिति सदिश आर टू है। तो जो इनका द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है जिसको हम आर सी एम लिखते हैं, आर सी एम इक्वल टू एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। द्रव्यमान केंद्र का वेग चाहिए हमें तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वी सी एम इक्वल टू डी आर सी एम वेक्टर बाय द डी टी इक्वल टू एम वन डी आर वन बाई डी टी प्लस एम टू डी आर टू बाई डी टी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। सो दिस गिव्स एम वन यू वन वैक्टर प्लस एम टू यू टू वैक्टर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि हम प्रथम कण मीन्स एम वन मास वाले पार्टिकल्स का टक्कर से पूर्व वेग देखना चाहते हैं, देखिए हमने जो सिम्बल्स काम लिए हैं यू वन यू टू वो हमारे थे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब हम चाहते हैं सेंटर मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हमने इसको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया। सो पहले पार्टिकल का सेंटर मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेग आता है वो आता है यू वन डैश इक्वल टू यू वन माइनस वी सी एम। सो द यू वन माइनस वी सी एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एम वन यू वन वैक्टर प्लस एम टू यू टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। सो जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हमने यू वन डैश इक्वल टू एम टू यू वन वैक्टर माइनस यू टू वैक्टर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। और इसी प्रकार यदि हम दूसरे कण का एम टू का सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेग चाहिए टक्कर से पूर्व, सो दैट इज यू टू डैश इक्वल टू यू टू माइनस वी सी एम। सो दिस गिव्स यू टू माइनस एम वन यू वन वैक्टर प्लस एम टू यू टू वैक्टर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। दिस गिव्स एम वन यू टू वैक्टर माइनस द यू वन वैक्टर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड में चेक कीजिए कि ये दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो प्रारंभिक वेग वो इंटरचेंज हो गए हैं, बस बाकी और कुछ नहीं हुआ। यू वन डैश में यू वन माइनस यू टू था और यू टू डैश में यू टू माइनस यू वन है, मीन्स दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस टू। इस प्रकार यदि टक्कर के पूर्व निकाय का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बल्कि अनुपस्थिति में यदि हम देखें तो जो कुल संवेग प्राप्त होता है इन दोनों को यदि जोड़ दें अपन, क्या आएगा एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश, और वो आएगा जीरो। क्यों आएगा, दोनों इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से देख लीजिए, दिस गिव्स द जीरो। सो दिस गिव्स दैट ये टक्कर से पूर्व द्रव्यमान निर्देश तंत्र में कण का कुल संवेग जीरो रहता है। सो इस इक्वेशन से हम यू टू डैश और यू वन डैश में रिलेशन के आसपास कर सकते हैं, यू टू डैश इक्वल टू माइनस ऑफ द एम वन यू वन डैश बाई द एम टू। एंड सिमिलरली टक्कर के पश्चात यदि हम संवेग चाहिए हमें तो वो भी क्योंकि जीरो ही रहेगा और वहाँ पे जो वेग आएंगे वो वी वन डैश और वी टू डैश हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो तो वी टू डैश इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ द एम वन बाई द एम टू वी वन डैश, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुल संवेग जीरो ही रहता है टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं इनके आपस में इंटरलेशंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल्स। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द परफेक्टली फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजंस, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए हमने जो इक्वेशंस लिखी थी अब हमारे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगी, वन बाई टू एम वन यू वन डैश स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू यू टू डैश स्क्वायर इक्वल टू एम वन बाई टू एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस वन बाई टू एम टू वी टू डैश स्क्वायर। यहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी हमने यू टू डैश और वी टू डैश मान ली हमने,
तो इनको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपन, तो जो रिजल्ट मिलता है 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 माइनस ऑफ द m1 u1 डैश / m2 पावर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 मल्टीप्लाइड बाय द माइनस m1 v1 डैश / m2 होल स्क्वायर। रीअरेंज कीजिए, दोनों में से जो कॉमन है ना वो कॉमन ले लीजिए, सो मिलता है 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, m1 u1 डैश स्क्वायर इक्वल टू कॉमन ले लिया तो 1 + m1/m2 और राइट हैंड साइड में आएगा आपका m1 v1 डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द 1 + m1/m2, सो दिस वॉज द कॉमन फैक्टर 1 + m1/m2, सो दिस गिव्स u1 डैश स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश स्क्वायर मीन्स v1 डैश का मैग्नीट्यूड और u1 डैश का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरे के लिए निकाल सकते हैं v2 डैश इक्वल टू u2 डैश। क्या रिजल्ट है, क्या निष्कर्ष आता है इसका? निष्कर्ष ये है कि टक्कर के बाद द्रव्यमान निर्देश तंत्र में कणों के वेग परिमाण समान रहता है, यानी मैग्नीट्यूड जो है पहले u1 डैश था, टक्कर के बाद v1 डैश हो गया, दोनों परिमाण बराबर है। इसी तरह से पहले u2 डैश था, बाद में v2 डैश हो गया, परिमाण बराबर है। सेकेंड निष्कर्ष, यदि टक्कर एक विमय है तो टक्कर के कारण इनकी दिशा विपरीत हो जाती है, वन डायमेंशनल है, तो यदि हम देखें v1 डैश इक्वल टू माइनस ऑफ द u1 डैश हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसको हम इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, -m2 u1 - u2 / m1 + m2 और इसी तरह से v2 डैश इक्वल टू सकते हैं माइनस ऑफ द u2, इसे माइनस ऑफ द u2 माइनस समथिंग वी कैन राइट, सो दीज आर द वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। ये था प्रत्यास टक्कर। अब हम एक इसका स्पेशल केस कि दो कणों के सम्मुख प्रत्यास टक्कर, जब टक्कर के बाद दोनों कण परस्पर आपस में चिपक जाते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, सो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजंस ऑफ द टू पार्टिकल्स व्हेन दे स्टिक टुगेदर। जैसे फिगर में हमने समझाया है कि प्रारंभिक वेग इनके u1 u2 है और टक्कर के बाद इनके वेग दोनों का एक ही हो जाता है, इसको हम कॉमन वेग कहते हैं, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, सो दिस इज द वी। सो इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें तो जैसे हमने पहले लिखा था m1 u1 + m2 u2 इक्वल टू m1 + m2 × v, वी अंतिम वेग जो प्रारंभ फाइनल वेग आएगा दोनों कणों का, चिपके हुए कणों का, सो वी इक्वल टू m1 u1 + m2 u2 / m1 + m2। अब इसी की भी एक व्यवस्था स्पेशल केस के लिए कि मान लो दूसरा कण स्थिर हो, मतलब ये कि पहला कण आ रहा है u1 वेग से और दूसरा कण स्थिर हो, तो u2 जीरो कर दिया हमने, सो दो अंतिम वेग जो आएगा इस सिस्टम का दोनों कणों का वो आएगा v = m1 u1 / m1 + m2। सो ये क्या कहता है? ये कहता है कि v इज लेस देन द u1, यानी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इस प्रकार की प्रकृति के लिए जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग से कम हो जाता है यदि कण स्थिर कण को टक्कर मारता है, तो इसका वेग घट जाता है। काइनेटिक एनर्जी में बात करें तो पहले जो थी KI वो 1/2 m1 u1 स्क्वायर थी, फाइनल देखते हैं KF 1/2 m1 + m2 v² हो जाएगा, सो रीअरेंज कर दिया जाए तो फॉर्मूला मिलता है हमें, फाइनल मैंने v को हमने लिख दिया VCM वाले फॉर्मूले से, सो 1/2 m1 + m2 / m1 u1 / m1 + m2 होल स्क्वायर, सो दिस गिव्स KF इक्वल टू 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर / m1 + m2। दोनों गतिज ऊर्जाओं का फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल का अनुपात करें तो मिलता है 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर / m1 + m2 / 1/2 m1 u1 स्क्वायर, दिस गिव्स m1 / m1 + m2, तो इसका मान एक से कम आएगा क्योंकि नीचे m1 + m2 है, m2 का थोड़ा सा भी मान होता है तो दिस इज KF इज लेस देन 1, ऐसा गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, अर्थात इस प्रकार ये अप्रत्यास टक्कर हो जाती है। इससे ज्ञात होता है कि इस स्थिति में KF इज लेस देन क्या है, टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा घट जाती है, ऊर्जा की ये हानि अन्य रूप में हीट एनर्जी साउंड एनर्जी के रूप में प्रकट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन व्हेन दे आर स्टिक टू ईच अदर इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी कंडीशंस को यदि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें तो क्या आएगा, देखिए u2 = 0 कर दिया तो
द्रव्यमान के अंदर का वेग आएगा वी सी एम इक्वल टू एम एन यू वन बाय एम एन प्लस एम टू। प्रथम कण का वेग चाहिए अपने द्रव्यमान निर्देश तंत्र के सापेक्ष, सो यू वन डैश इक्वल टू यू वन माइनस वी सी एम, जो रिजल्ट आता है एम एन यू वन वेक्टर बाय एम एन प्लस एम टू। सेकेंड पार्टिकुलर देखें यू टू डैश इक्वल टू यू टू माइनस वी सी एम, क्योंकि यू टू तो जीरो कर दिया हमने, सो वी सी एम इक्वल टू माइनस एम एन यू वन बाय एम एन प्लस एम टू। टक्कर के पश्चात सेंटर मास पर एम एन पर संयुक्त वेग देखें अपन, सो वी डैश दे दिया मैंने, मान लो वी वन डैश, तो ये मिलता है एम वन एम टू वी वन डैश इक्वल टू एम वन यू वन डैश प्लस एम टू यू टू डैश, सो दिस गिव्स एम वन मल्टीप्लाई बाय द एम टू यू वन बाय द एम वन प्लस एम टू प्लस एम टू मल्टीप्लाई बाय द माइनस एम वन यू वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, सो ये रिजल्ट मिलता है जीरो, अर्थात वी वन डैश इक्वल टू जीरो। तो सेंटर ऑफ मास पर एम रेफरेंस क्या समझाता है हमें, क्या निष्कर्ष देता है कि टक्कर के पश्चात संयुक्त कण एम वन एम टू का वेग सी एम निर्देश तंत्र में भी शून्य होता है, अर्थात सी एम निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात संयुक्त रूप से संयुक्त कण स्थिर रहेगा। क्योंकि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ के रेफरेंस के सापेक्ष सी एम निर्देश तंत्र पूरा का पूरा निर्देश तंत्र वी सी एम वेग संगतिशील होता है, अगर टक्कर के पश्चात सी एम में जो स्थिर संयुक्त कण था वो, क्योंकि सी एम निर्देश तंत्र लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष किस वेग से मूव करता था, वी सी एम से, तो हमें टक्कर के बाद में ये वी सी एम वेग से संयुक्त कण चलता हुआ नजर आता है। सो ये फायदे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसमें हम कह देंगे कि सीधा सीधा कि जो संवेग है वो जीरो हो जाता है, यानी जो चिपकने के बाद जो वेग हो जाता है दोनों कणों का वो जीरो हो जाता है। इससे बहुत आसानी से हो जाती है कैलकुलेशन करने में, मोमेंटम एंड वेलोसिटीज एंड काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।